मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ की महत्वाकांक्षी घोषणा नारी सम्मान योजना की। इन दोनों ही योजनाओं में मध्य प्रदेश की महिलाओं को टारगेट किया गया है। उद्देश्य साफ है कि करीब करीब 48% महिला वोट बैंक पर ज्यादा से ज्यादा अपनी पकड़ को मजबूत किया जा सके। अब कैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही महिला वोटरों को रिझाने में जुट गई हैं, उसके बारे में आपको बताएं कि एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लॉन्च कर दिया है, महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये 10 जून से डलने भी शुरू हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो नारी सम्मान योजना को शुरू किया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं के खाते में 1,500 रुपये महीने डाले जाएंगे। यही नहीं, 500 रुपये में सिलेंडर भी मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिल सकेगा, गैस सिलेंडर, जो अभी 1,000 रुपये से ऊपर आता है। इन दोनों योजनाओं के केंद्र में है महिलाएं, लेकिन कमलनाथ ने जहां 1,500 रुपये देने की घोषणा कर दी, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने एक नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि 1,000 रुपये प्रतिमाह लाडली बहना योजना में, ये तो शुरुआती राशि है, जैसे जैसे ये योजना आगे बढ़ेगी महिलाओं को मिलने वाली राशि में इजाफा होता जाएगा। 1,500 नहीं, 3,000 रुपये भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में डालेगी हर महीने, यदि भाजपा की सरकार बनती है, और आने वाले सालों में जैसा जैसा फंड सरकार के पास आता जाएगा। बकायदा शिवराज सिंह चौहान ने यह तक कह दिया कि इसकी शुरुआती राशि भले ही 1,000 रुपये है, लेकिन वो जल्द ही इसे 1,250 रुपये करेंगे, उसके बाद इसे 1,500 रुपये महीना कर दिया जाएगा, बाद में 1,750 रुपये महीना किया जाएगा, 2,000 रुपये महीना किया जाएगा, और सफिशियंट इसमें फंड आने पर इस राशि में 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा। सुनिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा जब हस्तांतरण किए जा रहे थे महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये 10 जून को। 1,000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1,000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा, पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। समझ रही हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ रही हो? तो 1,000, उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1,250 रुपया कर दूंगा। जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1,500 रुपया महीना। जोर से ताली बजाओ, और पूरे प्रदेश की बहनों मेरी बात सुनते जाओ। भैया काम की बात बोल रहा है, 1,500 तक भी नहीं रोकूंगा, और आने वाले समय जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1,750 रुपया करूंगा, और उसके बाद फिर 2,000 रुपया महीना कर दूंगा, और 2,000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2,000 से 2,250, 22 से बाद में 2,500, 2,500 से 2,750, और जिस दिन मौका मिल गया 3,000 रुपया। ये अब आपको बताते हैं कि दरअसल मध्य प्रदेश में आधी आबादी को साधने की छिड़ी, ये जो सियासी जंग है, ये इतनी अहम क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुल वोटर करीब करीब 5,40,00,000 के आसपास हैं। इनमें से 48% वोटर यानी करीब 2,60,00,000 महिला वोटर हैं। अगर आप देखें तो साल 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो करीब 70% वोटर जो हैं, देखा जाए तो करीब 70.11% महिला वोटरों ने वोट किया था, लेकिन साल 2018 में इसमें बढ़ोतरी हुई और महिला वोटरों की संख्या 73.86% तक बढ़ गई। यानी अगर देखा जाए तो करीब 3% की बढ़त जो है महिला वोटरों की साल 2013 से 2018 के मुकाबले हो गई थी। यही नहीं, अभी जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के जो 53 ज़िले हैं उनमें से 41 ज़िलों में महिला वोटरों की संख्या बढ़ गई है। अगर देखा जाए तो जो अभी वोटर लिस्ट अपडेट हुई है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में महिला वोटरों की संख्या करीब करीब 7,50,000 तक बढ़ चुकी है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस,
महिला वोटरों को, महिलाओं को साधने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखना यह है कि महिला वोटरों के मन में कौन राजनीतिक दल अपनी योजनाओं के जरिए पैठ बनाने में कामयाब होता है और 2023 के विधानसभा चुनाव में ये महिला वोट बैंक किसे मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी सौंपता है।